तो चलिए केक लेके चलते हैं बाहर टेबल पे और भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पंखा बंद करो। तो ये रहा सरप्राइज और ये रहा हम लोग का आज बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय अपना वीडियो शूट करने में लगा है, बेचारा दुखी हो गया है। और ये रहा बर्थडे बॉय का केक, मेरे से किसी से भी बहुत क्यूट सा यम्मी सा केक भाई के लिए मंगवाए हैं। तो देखिए भाई अभी केक कट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, इट मींस अ लॉट टू मी। चलो चलो जल्दी काटो। क्या, अरे वो तो बुचकू का है। बुचका में लगा दे रही हूँ। तो पतिदेव लगा रहे अभी बुचकू का बुचका। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ये ब्लॉग रात को 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और आज 12 बजे के बाद बज गया है टाइम, मतलब दिन हो गया है 5th में। और 5th मई को मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक अनहोनी घट गया था जिसका आज एनिवर्सरी है उस अनहोनी का। तो चलिए बिना स्किप के इस ब्लॉग में पूरा आखिर तक बने रहिए और क्या क्या सरप्राइज है वो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को बस थोड़ी देर में। तो ये रहा मेरा पति देव आ गए हैं मेरा भाई के लिए कुछ सरप्राइज लेके, कोई फ़ोन नहीं किया। खाली वही लड़का किया जिसका हम तारीफ कर रहे थे ना आपको, वही लड़का किया है। जोमेटो वाले पे 1 रुपए का भाई के नाम पे डोनेशन किए भाई का बर्थडे स्पेशल। भाई का बर्थडे टिप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेचारे को कोई विश नहीं किया है, कोई नहीं चाहिए, मेरा लोग भाग ले जाए। मेरा दीदी देखो आगे उठ पहाड़ के नीचे, आप बोले थे कोई विश नहीं करते, कोई नहीं की सकते आप लोग इस बंदे को। इसके लिए आज कुछ स्पेशल डे है, इसको आज कोई विश नहीं कर रहा है। 12:07 हो चुका है और ये गुस्सा में बोल रहा है कल किसी का फोन नहीं उठाएगा। हम विश किए हैं, मेरी बहन विश की है, शोची तो विश कर रहे और मेरा हस्बैंड, मेरा हम लोग तीनों ही विश किए। मम्मी पापा तक भूल गए इसका बर्थडे। तो आप लोग भी देखते रहिए क्या क्या आज कांड होता है दिन भर, क्योंकि इसका जीजा बोला ही था कि कोई इसको विश नहीं करता, ये ज़बरदस्ती फ़ोन कर करके विश मांगता है। तो आज वो बात सच हो गया, पति देव लगे हुए हैं। हाँ अच्छा किया भाई के बर्थडे का ट्रीट। आपका लोकेशन गलत था, हमको सिर्फ 28 रुपये मिलेगा, लेट हो गया। तो हाँ ऐसा ही अच्छा लग रहा था। हाँ बहुत क्यूट लग रहा था हमको, ज़्यादा बड़ा मंगा के खा नहीं पाते हैं ना, लेकिन बहुत क्यूट है। देखो देखो गिरे ना ही, उसके लिए क्या बंदोबस्त करके दिया है। तो ये रहा देख सकते भाई का बर्थडे केक है। तो चलिए भाई से अभी कटवाते, बेचारा उदास हो गया, कोई विश नहीं किया। कैंडल, कैंडल नहीं देता है, बोला कैंडल दिया है, नहीं दिया। अरे यार चुटिया बना रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर विशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुरंत ही खा रहा हूँ, लीजिए, थैंक यू वेरी मच, उसको खिला दो। रुक जाइए पहले और एक बार वीडियो बना लूंगा, बस नहीं ब्लॉग करिए। हाँ पहले उसको खिलाओ ना रे, क्या सब आदमी है वीडियो चक्कर में, फॉर्मेलिटीज वीडियो के चक्कर में रिचुअल्स ही भूल जाता है। थोड़ा सा इतना सा नहीं, नहीं खाओ, कहाँ है इतना सारा, नहीं नहीं खाना पड़ेगा। मेरा घर गंदा मत करो रे, आज ही हम सर्फ से घर साफ। मन कर दीजिए हो गया, कैंडल पूजा है बिना ही के किसी का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है 5th मई और बृहस्पतिवार,
तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई का बर्थडे है आज, तो सुबह का बज रहा है अभी 8 और वो चला गया नहा धो के तैयार होके पूजा देने मंदिर में। तो बिना स्किप किए इस ब्लॉग में पूरा दिन भर मेरे साथ आज आप लोग बने रहिए और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। भाइयों के साला बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में जीजा जी आज जल्दी जल्दी खाना बना दिए, मतलब अभी बज रहा है सुबह का 12 और 12 बजे तक मेरे घर में आज लंच बन गया है, कम्प्लीट हो गया, दाल भात सब्जी सब कुछ बन गया। देख सकते पतिदेव आज सारा काम खुद कर रहे हैं, साला को कुछ काम करने नहीं दे रहे क्योंकि साला का आज बर्थडे है। तो कहीं देखा है आप लोगों ने ऐसा साला जीजा का प्यार? फिर देखते रहिए और क्या, पूरा दिन देखते रहिए क्या क्या होता है आज। सो भाई का बर्थडे का खुशी में आज हम घर में बनाए हैं सेवई, क्योंकि खीर नहीं बना सकते हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि जब तक मेरा बेबी शावर नहीं होता है तब तक खीर नहीं बनाया जाता है, खीर नहीं खाया जाता है, तो खीर नहीं बनाए इसीलिए सेवई बना दिए हैं। तो खीर पूरी मतलब सेवई पूरी उसके लिए बना दिए हैं, वो खा लेगा और फिर शाम को हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चलेंगे। उसको बहुत पसंद आया खीर पूरी और सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यम्मी बना। तो फ्रेंड्स आज है मेरे इंजेक्शन का डेट और अभी बज रहा है दोपहर का 2 और पतिदेव और हम जा रहे हैं दोनों मेरा इंजेक्शन लेने के लिए। और फिर वही डर लग रहा है मन में कि कौन सी नर्स रहेगी, कैसा सुई लगाएगी, क्योंकि कुछ नर्स है जो बहुत दर्द देती है मुझे। तो शाम को जो हम लोग भाई के बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं इसीलिए दोपहर को जाके इंजेक्शन लेके आ जाते हैं। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते साथ में हॉस्पिटल। चलिए शाम फ्रेंड देख सकते हैं अभी शाम का बज रहा है 5 और बाहर का वेदर बहुत ही ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया है और वो तो ऑरेंज मॉल तो दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग से पूरी तरह से ढक चुका है। तो पता नहीं शाम को हम लोग कैसे जाएंगे, बारिश रुकेगा तब हम लोग बाहर जा पाएंगे और बारिश नहीं रुका तो बस आज तो हो ही गया भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना। तो चलिए फिलहाल अभी बारिश का मज़ा लेते हैं, इस वेदर का मज़ा लेते हैं और फिर देखते हैं शाम तक क्या कंडीशन रहता है। जा रहे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पता नहीं भाई कहाँ लेके जा रहा है, तो चलिए चलते हैं और फिर जाके आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग कहाँ आए। फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं सी रोड पे, तो आ गए हैं हम लोग, बैठ चुके हैं, अब देखते हैं मेनू कार्ड हम लोग स्टार्टर में क्या ऑर्डर करते हैं। तो मेनू कार्ड देख के सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ड्रिंक्स में हम लोग पिए थे फ्रूट पंच और लाइम सोडा और ये है फ्रूट पंच और इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइम सोडा भी ऑर्डर किया था। और स्टार्टर में हम लोग खाए थे फिश फिंगर, तो एक प्लेट फिश फिंगर लिए थे, उसमें 8 पीस दिया था, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम लोग लिए थे स्टार्टर में एक पॉम्पलेट तावा फ्राई, ये भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और मेन कोर्स में हम लोग जो फाइनली खाए हैं वो है चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी, तो 2 प्लेट हम लोग लिए थे बिरयानी क्योंकि 2 प्लेट एक्सट्रीम था, बहुत हाई ज़्यादा क्वान्टिटी में था, 3 आदमी को बहुत हेवी हो गया था।
तो ये रहा मटन बिरयानी और एक प्लेट लिए थे चिकन बिरयानी, तो तीनों शेयर करके खाए क्योंकि पतिदेव को मेरा पतिदेव को मटन खाना नहीं अलाउ है, तो इसीलिए एक चिकन बिरयानी ले लिए थे। तो बहुत एंजॉय किया हम लोग खाना, और सच में खाना भी बहुत अच्छा था और वहाँ का एटमोसफियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो चम्मच से खा खा के थक चुके थे, इसीलिए हाथ लगाना पड़ा देहाती स्टाइल में। तो बहुत अच्छा खाना था, मतलब कलकत्ता वाला फीलिंग था, बिरयानी का टेस्ट भी पूरा कलकत्ता जैसा ही था।